नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय अधिक मास चल रहा है। सावन में अधिक मास का पड़ना बहुत शुभ होता है। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस महीने की हर तिथि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए अधिक मास की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। इसे परमा एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा सुख सौभाग्य धन समृद्धि आदि में वृद्धि देती है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी और कष्ट नहीं आते हैं, इसलिए परमा एकादशी का व्रत करना और विधि विधान से पूजा करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। तो जानते हैं हम कि परमा एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या है। दोस्तों, यदि आप पैसों की तंगी या कर्ज से परेशान हैं, तो परमा एकादशी के दिन कुछ उपाय कर लें। ऐसा करने से जीवन में गरीबी नहीं रहती है। और इस बार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 अगस्त 2023 शुक्रवार की सुबह 5:06 से प्रारंभ होगी और 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। यह व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। परमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 12 अगस्त 2023 की सुबह 7:28 से शुरू होकर 9:07 तक रहेगा। वहीं परमा एकादशी का पारण समय 13 अगस्त रविवार की सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक रहेगा। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन ये कार्य आप अवश्य करें। जीवन से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी दूर होकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो चुके थे, कौरवों ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि परमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन से धन संकट दूर हो जाता है। साथ ही परमा एकादशी व्रत यश और सम्मान दिलाता है। इसके लिए जरूरी है कि परमा एकादशी व्रत और पूजा विधि विधान से किया जाए। परमा एकादशी व्रत के लिए तैयारी एक दिन पहले ही शुरू करनी चाहिए, यानी कि परमा एकादशी के एक दिन पहले सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पण करें। फिर भगवान के सामने हाथ में फूल और अक्षत लेकर परमा एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। फिर भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र, फूल माला, जनेऊ, चंदन आदि से उनका श्रृंगार करें। उन्हें अक्षत, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाइयों का भोग लगाएं, धूप दीप करें। साथ ही इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और देसी गाय के घी के दीपक जलाएं। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। परमा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने, इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। और आखिर में भगवान की आरती करें। परमा एकादशी के दिन दिन भर केवल फलाहार ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान जरूर दें, अच्छा आचरण करें, किसी को अपशब्द ना कहें, ना मन में बुरे विचार लाएं। अगले दिन सही समय में पारण करें तो आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।